हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक्सोर। दोस्तों, अगर आप अपने वीवो के U20 डिवाइस में या फिर वीवो के किसी भी फोन में डेटा सेविंग मोड को ऑन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, जब आप अपनी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आपका डेटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से दिन पूरा होने से पहले ही आपकी पूरी MB खत्म हो जाती है। तो आप उसको कैसे सेव कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो आपको चले जाना होगा सेटिंग्स में, और उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है मोबाइल नेटवर्क पे। आपके फोन में शायद डुअल सिम मोबाइल नेटवर्क ऐसा कुछ नजर आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरा फोन यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डेटा मॉनिटर नजर आता है, लेकिन आपके फोन में शायद एंड में डेटा सेविंग मोड हो सकता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर डेटा सेविंग मोड नजर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको डेटा सेविंग मोड पर क्लिक कर लेना है, इसे कर लेना है ऑन। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नजर आ जाती है। इन केस ऑफ लिमिटेड डेटा ट्रैफिक यू कैन इनेबल डेटा सेविंग मोड टू प्रिवेंट एप्स फ्रॉम यूजिंग डेटा इन द बैकग्राउंड। तो उसके बाद यहाँ पर आपको व्हाइट लिस्ट एप्स ऑन कर लेना है। तो यहाँ से आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन पर डेटा सेविंग मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बस आप अपने WhatsApp और Instagram पर इसे ऑन या ऑफ करने से पहले थोड़ा ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। जब आप WhatsApp या Instagram ऑन करते हैं तो ही आपका मैसेज शो होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।